2019. Aí, हमारे साथी सबों के विचार सुने। मनुष्य क्या चाहता है? हर मनुष्य के मन की मांग क्या है? और दुनिया का सिरमौर प्राणी होते हुए भी, बुद्धिजीवी प्राणी होते हुए भी मनुष्य दुखी क्यों है? गुलाम बनकर के जिंदगी क्यों जी रहा है? इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है। मनुष्य जीवन की एक ही मांग है या मनुष्य के मन की एक ही मांग है, परम सुख, परम शांत, परम आनंद। धन चाहिए आदमी को निर्वाह के लिए, विद्या चाहिए आदमी को निर्वाह के लिए, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं जीवन निर्वाह के लिए है, आवश्यक है। लेकिन सबसे संपन्न होने के बाद यदि मन खाली का खाली है तो भी चीजों का मूल्य क्या होता है? पहली बात तो आप ये समझ लें, बाहरी दृष्टि से कहें तो दुनिया में सबसे मूल्यवान है आपका जीवन। आपके जीवन से बढ़कर के मूल्यवान दुनिया में कोई चीज नहीं है। कोई आपसे कहे, यहां आप लोग इस दुबई में पैसा कमाने के लिए आए हैं, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपया दे रहा हूं लेकिन बदले में तुम्हारा जीवन मैं ले लूंगा, शायद कोई तैयार हो। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो पैसा लेकर के क्या करूंगा? कोई कहे कि हम तुम्हें दुनिया भर का मालिक बना देना चाहते हैं, बदले में तुम्हारे प्राण ले लेंगे, तो क्या हम प्राण ही नहीं रहेंगे तो हम मालिक बनकर के करेंगे क्या? सबसे मूल्यवान हमारा जीवन, और उसी जीवन के लिए परिवार चाहिए, धन चाहिए, मठ चाहिए, मकान चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। सब चीज मिल जाए लेकिन मन अशांत रह जाए, बेचैनी दूर ना हो, पीड़ा दूर ना हो, तो सब कुछ मिलने का अर्थ क्या होता है? मैंने कहा बाहर की चीजों से सिर्फ जीवन का निर्वाह होता है, साथियों का निर्वाह होता है और लोक मंगल, लोक सेवा का काम होता है, इसलिए बाहरी चीजों की आवश्यकता है। लेकिन यदि आप इनसे सुख चाहेंगे, इनमें सुख की तलाश करना चाहेंगे, तो आपको केवल निराशा हाथ लगेगी। हर आदमी सुख बाहर खोज रहा है और सुख बाहर कहीं नहीं, एक आभास होता है, भ्रम होता है। सुख, वह सुख जिसे पाकर आपके मन की दौड़ पूरी हो जाए,
वह सुख आपके भीतर है। सुख का स्रोत, सुख का झरना, सुख का खजाना आपके भीतर है। नहीं जानते हैं इसीलिए भटकते बाहर हैं। जैसे कबीर साहब ने कहा है, संतों ने भी कहा है, मृगा की नाभि में कस्तूरी होती है। हर मृग की नाभि में कस्तूरी नहीं होती है, अनेक प्रकार के हिरण या मृग होते हैं। एक विशेष प्रकार का मृग होता है जिसे कहा जाता है कस्तूर मृग, उसी की नाभि में कस्तूरी होती है, उसको सुगंध वहीं से आती है। लेकिन मृग सोचता है ये सुगंध बाहर से आ रही है, उस सुगंध की तलाश में जंगल जंगल भटकता रहता है, कहीं मिलता नहीं है वो सुगंध। जब थक हार कर वो मृग बैठ जाता है, आराम करने लगता है, और आराम करते करते अपने मुंह को फिर आकर के नाभि की ओर ले आता है, तो पता चलता है जिस सुगंध को मैं खोज रहा था वो तो मेरे पास है। ठीक यही बात है हम लोगों की भी। वो जो सुख की सुगंध है हमारे भीतर है, नहीं जानते हैं इसलिए खोजते हैं, बाहर खोजते हैं। कुछ लोग धन में खोजते हैं, कुछ लोग पद में खोजते हैं, कुछ लोग प्रतिष्ठा में खोजते हैं, कुछ लोग मान बड़ाई में खोजते हैं, कुछ लोग पति पत्नी बाल बच्चे में खोजते हैं, कुछ लोग कहीं खोजते हैं। लेकिन जो चाहिए वो सुख मिल नहीं पाता, और अंत में जब आदमी हार जाता है, थक जाता है, थक करके जब अपनी ओर लौटता है, तब पता चलता है वो सुख तो मेरे पास है। आप याद रखें, हर आदमी सम्राट है, बाहर का सम्राट नहीं, बाहर सम्राट भी बेचारा गुलाम है। यदि मन अशांत है तो हर आदमी सम्राट है। आदमी भगवान पाना चाहता है, परमात्मा पाना चाहता है, खुदा पाना चाहता है, क्या पता नहीं क्या क्या पाना चाहता है। पाना क्यों चाहता, अब खुद परमात्मा क्यों ना हो जाए। पर आप परमात्मा हो सकते हैं। वो तो परमात्मा बात मैं नहीं कर रहा हूं जिसके लिए कहा जाता है जिन्होंने दुनिया बनाई, वो प्रसंग अलग, दुनिया बनाई या नहीं बनाई इस संदर्भ में जाना नहीं है। दुनिया हमारे सामने है, इस दुनिया हम जी रहे हैं। परमात्मा या खुदा का अर्थ होता है अपने आप में पूर्ण संतुष्ट, तृप्त। लेकिन हर आदमी खुदा होते हुए भी, परमात्मा होते हुए भी, भगवत स्वरूप होते हुए भी दीनहीन गुलाम क्यों बना है? अपने अज्ञान और अनेक प्रकार की जो इच्छाएं हैं उनके कारण। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे गर्दिले बेमुद दवा होते। सरापा सिर से पैर तक, सिर से पैर तक लिपटी हुई इच्छाओं ने हमें बंदा बना दिया, गुलाम बना दिया है। वगरना हम खुदा होते, हम स्वयं खुदा होते क्यों? कब? गर्दिले बेमुद दवा होते, यदि हमारे दिल में कुछ पाने की इच्छा ना होती। यहां इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि काम करने की इच्छा नहीं, काम करना अलग चीज है, सेवा करना, परिश्रम करना, जो आदमी जिस क्षेत्र में है अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाना वो अलग चीज है, और इच्छा करना अलग चीज है। इस बात पर और ध्यान दें, एक होती है आवश्यकता और एक होती है इच्छा।
आदमी आवश्यकता के लिए परेशान नहीं है, परेशान है इच्छाओं को लेकर। आवश्यकता और इच्छा में अंतर क्या है? जिसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, वो आवश्यकता है। और जिसके बिना हम आराम से जिंदगी जी सकते हैं फिर भी चाहते हैं, वो इच्छा है। अब सोचिए कि ऐसी कौन कौन चीज है जिसके बिना आप जी नहीं सकते। सबसे बड़ी चीज है भोजन। भोजन आप चाहे जो खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, दाल खाओ, चना खाओ, ये खाओ, वो खाओ, जिसे पेट भर, वो हमारी भूख दूर होनी चाहिए। हमारी सबसे पहली आवश्यकता है भोजन। कपड़ा ना मिले तो भी चल जाएंगे, माने अनेक लोग हैं नंगे घूमते हैं। भारत में तो जैन साधु में तो एक दिगंबर संप्रदाय है, वो तो कभी कपड़े पहनते ही नहीं है। नागा साधु वैष्णव में होते हैं, कभी कपड़े पहनते ही नहीं। कपड़ा ना मिले तो हम जी सकते हैं, मकान ना मिले तो जी सकते हैं, लेकिन भोजन ना मिले तब नहीं जी सकते। और पहली आवश्यकता है भोजन, दूसरी आवश्यकता है कपड़े, और तीसरी आवश्यकता है मकान। अब मकान कितना बड़ा है इससे मतलब नहीं है। तो आवश्यकता भोजन, कपड़ा और मकान, जिसके इसके बिना जीवन नहीं जाता। लेकिन जैसे आप, मैंने कहा भोजन अब हमारी आवश्यकता है, खाना खाने बैठो, सामने जो आ जाए शरीर के लिए नुकसानदायी न हो, गलत चीज ना हो, सड़ी हुई चीज ना हो, सामने जो आ जाए पेट भर लो। अब खाना खाने तो बैठे, रोटी है, सब्जी है, यार पनीर की सब्जी नहीं मिली, वह इच्छा शुरू हो गई, अब दुख शुरू हो जाएगा। चावल तो बना है लेकिन वो चावल चाहिए जो बासमती चावल, वो चावल नहीं, मोटा चावल है, इच्छा शुरू हो गई। क्योंकि ये बढ़िया जो है ना, ये बढ़िया इच्छा है। घर तो है लेकिन क्या करें, फूस की झोपड़ी है, पक्का मकान होता इच्छा शुरू हो गई। ठीक है, पैसा हो जाए पक्का मकान बना लो, पक्का मकान बन गया, पक्का मकान तो है लेकिन दो ही कमरे का है, यदि 10 कमरे का होता आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन फिर भी सोच रहे हो, ये इच्छा है। अधिक अधिक की चाहना, तो आदमी आवश्यकता के लिए परेशान नहीं है, परेशान है इच्छाओं के लिए। और दुनिया में आज तक इच्छा किसी की पूरी पूरी नहीं है और होगी नहीं। कहानी है बातों समझाने के लिए, राम और रावण की लड़ाई चल रही थी, रावण घायल होकर के युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ था। राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ रावण के पास, रावण बहुत योग्य और विद्वान व्यक्ति है, उनसे कुछ राजनीति की बातें सिखाओ और ये पूछाओ कि उनकी कोई खास इच्छा यदि बाकी हो तो रावण बता दे, हम उनकी उन इच्छाओं को पूरा कर देंगे। राम की बात सुनकर लक्ष्मण गए, बातचीत हुई, तो लक्ष्मण ने रावण से कहा, लंकेश मेरे बड़े भाई ने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है आपकी कोई ऐसी इच्छा जो आप पूरा करना चाहते थे पूरी नहीं हुई हो तो आप बता दें, मेरे बड़े भाई को पूरा कर देंगे। तो रावण ने कहा, लक्ष्मण इच्छाएं तो बहुत थी, काम मुझको बहुत ज्यादा करना था, लेकिन बीच में ही मैं जा रहा हूं दुनिया से,
आपके भाई ने जो कहा है मेरी इच्छाओं पूरा करने के लिए, तो बाकी इच्छाओं की बात मैं नहीं करता। मेरी दो खाद इच्छाएं हैं और मेरे अपने लिए नहीं है, दुनिया के लोगों के लिए। और यदि आपके भाई उन इच्छाओं को पूरा कर दे तो मेरा मन तो खुश हो ही जाएगा, दुनिया का बड़ा भला हो जाएगा। अश्वन ने पूछा कौन कौन इच्छा। तो रावण तो सोने की नगरी लंका का राजा था। रावण ने कहता है, रावण ने कहा मेरी पहली इच्छा यह है कि मैं सोना में सुगंध पैदा कर दूं। सोना आदमी को कितना प्रिय है और महिलाओं को तो बहुत प्रिय होता है सोना। सोने गहना पहना आदमी और उसमें सुगंध भी आ रही हो तो कितना बढ़िया होता। रावण ने कहा कि मेरी पहली इच्छा यह है कि मैं सोना में सुगंध पैदा कर दूं, और दूसरी इच्छा यह है धरती से थोड़ा सा सीढ़ी बना दूं। भगवान भी पूरा नहीं कर पाए इच्छा को, रावण भी कर पाए आज तक। ये तो कहानी है, आवश्यकता पूरी होती है, इच्छा पूरी नहीं होती है। और वही इच्छाएं ही आदमी को गुलाम बनाती है। दुर्व्यवहार की जितनी चीजें हैं आवश्यकता नहीं है, इच्छा है केवल। बिना शराब पिए, बिना बीड़ी पिए, बिना गुटखा खाए, बिना तंबाकू खाए, बिना पड़की खाए या बिना और जो सब चीज खाए, आराम से जी सकता है आदमी। जी ही रहे, करोड़ों करोड़ों अरबों लोग जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें आवश्यकता नहीं, उनकी इच्छा ही नहीं। हमारे मन में कभी होता ही नहीं है कि तंबाकू में क्या स्वाद आता है, लेकिन जो तंबाकू खाने का आदती व्यक्ति है परेशान हो जाता उसके लिए यदि नहीं मिलता है तो इच्छाओं पीछे मत दौड़िए, काम करिए। जहां भी जो भी काम है पूरी ईमानदारी से समर्पित होकर काम करिए, आपकी आवश्यकताएं पूरी होती, आपकी और आपके बाल बच्चों की आवश्यकताएं पूरी होती चली जाएगी। दिखावा में मत पड़ना, तुलना में मत पड़ना, बराबरी करने में मत पड़ना। यदि दिखावा में पड़ गए, बराबरी करने में पड़ गए, तुलना करने में पड़ गए, तो सिवा दुख के कभी आपको कुछ हाथ आने वाला है नहीं। आपका आपका, साथी के साथी का, सबका भाग्य अलग अलग, तकदीर अलग अलग, परिश्रम अलग अलग, काम करते चलो, आवश्यकता पूरी हो, इच्छाओं की कुछ नहीं। और इसी और याद रखना, यदि सुख से जीना चाहते हैं तो पहले ये सोचिए धन आपके लिए है या आप धन के लिए, पैसा आपके लिए है या आप पैसा के लिए, चीजें आपके लिए हैं या आप चीजों के लिए हो। याद रखना, पैसा आपके लिए है, आप पैसा के लिए नहीं। जिस दिन पैसा आपके लिए है ये भाव आपके मन में बना रहेगा जब तक मालिक बनकर के जियोगे, और जिस दिन ये मन में आ गया ये जीवन पैसा के लिए है, सिर्फ गुलाम बनकर के जियोगे। पैसे का सुख कभी मिलने नहीं पाओगे, पैसे का फल कभी भोग नहीं पाओगे। फिर हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा का पैसा करते करते जिंदगी बीत जाएगी। आप पैसा के लिए नहीं, पैसा आपके लिए है। दुनिया की बड़ी से बड़ी चीजें आपके लिए हैं, आप चीजों के लिए नहीं हो। कभी भी मन में यह बात मत लाओ कि अमुक चीज नहीं मिली तो जीवन बेकार, अमुक चीज मिल जाएगी जीवन सफल हो जाएगा। जहां आपने ये सोचा कि अमुक चीज नहीं मिली जीवन बेकार, उसी क्षण आप गुलाम बन गए और चीज आपका मालिक बन गई। अब गुलाम को सुख नहीं मिलता है, गुलाम तो गुलाम है। सुखी वह हो सकता है जो मालिक बना हुआ है, लोगों का मालिक नहीं, अंदर का मालिक। समाज में तो कोई दफ्तर है एक मैनेजर बन गया, घर में है कोई घर का मुखिया बन गया, कोई आश्रम है वहां का कोई महंत गुरु बन गया, वो बाहरी व्यवहार के लिए है। मालिक बनना है भीतर का मालिक, अपनी इच्छाओं का मालिक, अपने मन का मालिक, अपनी इंद्रियों का मालिक, सब पर आपका कंट्रोल।
फिर आप कहीं भी रहोगे दुखी नहीं रहोगे। चीज कम होगी ज्यादा होगी, चीज के कम होने से ज्यादा होने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं चीज बहुत है दुखी है, कुछ लोग ऐसे हैं चीजें कम है बड़े सुखी हैं। मैं भी कुछ दिन पहले बिहार में था, आज 11 तारीख है, 11 तारीख को मैं बिहार, पिछले महीने 11 जून को मैं बिहार में था। भारत में बिहार प्रदेश आप जानते हो। एक घर में गया, घर में जो मालिक और मालकिन दोनों आए, पैर धोए, सब कुछ के स्वागत किए। मैंने पूछा घर मालकिन से, क्यों मन प्रसन्न है ना, खुश तो हो? कहा था आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद है, सब बढ़िया है, लेकिन मन थोड़ा उदास है। मैंने पूछा क्यों क्यों उदास है मन? तो कहती है परीक्षा में बेटी को नंबर थोड़ा कम मिला है। मैंने पूछा कितना मिला हुआ है? ताकि 94% मिला हुआ है, 100 में 94% मिला है। तो वो कहती है बेटी परीक्षा में नंबर थोड़ा कम मिला, मन उदास है। मैंने कहा कितना चाहती हो? एक कम से कम 96 होना चाहिए था। 94% बेटी को परेशान होने उदास, उसके बगल में पड़ोसी फूक है, बेटे 40% पाकर के फूक के पाकर पाप हो गया है, 40% पाने वाला फूत है, 94% पाने वाला दुखी है। क्यों? उसे अधिक चाहना थी, वो चाहना पूरी नहीं हुई। तो चाहनाएं कभी पूरी नहीं होती है, आवश्यकता पूरी होती है। मैं ये कह रहा था सुख का स्रोत आपके भीतर है, अब करना क्या है? आप अपने यहां आए हो, आप काम करने के लिए आए हो, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, वो तो कर ही रहे आप। सुख से जीना है, टेंशन से और डिप्रेशन से बचना है। आज की सबसे बड़ी बीमारी दो है, कैंसर है, एड्स है, अब ये है वो है, सब तो तमाम वो बीमारी तो है ही। आज के भयंकर सारी बीमारियों में कैंसर और एड्स ये दोनों भयंकर बीमारी है। लेकिन ये बीमारी तो कुछ लोगों को है, मन की बीमारी टेंशन और डिप्रेशन, इससे तो अधिकतम लोग पीड़ित हैं। धनी भी पीड़ित है, गरीब भी पीड़ित है। जिसे मैनेजर कहा जाता है वो भी या तो टेंशन में जी रहा है या डिप्रेशन में जी रहा है, और जो चपरासी है वो भी टेंशन डिप्रेशन में जी रहा है, जो कलर का वो भी इसमें जी रहा है। क्यों? कारण क्या है? इस बीमारी से हम बच कैसे सकते हैं? और बीमारी से बच करके सुख पूर्वक शांति पूर्वक जीवन जी कैसे सकते हैं? एक काम करिए, काम करते हर समय ये बनाइए, आदत बनाइए कि अच्छा सोचने की आदत, जो सोचना है अच्छा सोचना है, जब सोचना है अच्छा सोचना है, जिसके लिए सोचना है अच्छा सोचना है। काम कर रहे हो अच्छा सोचो, मन निगेटिव सोचता है, गलत बातों को सोचता है, ईर्ष्या की बात सोचता है, द्वेष की बात सोचता है, बैर की बात सोचता है, ये सोचना बंद कर दो। जब तक ईर्ष्या द्वेष बैर विरोध निंदा ये सारी बातें मन सोचता रहेगा, खराब पति भी बन जाओगे, सुखी जीवन जी नहीं पाओगे। इतने निगेटिव सोचना, गलत सोचना बंद। जब सोचना है अच्छा सोचना, कोई आपको दुश्मन भी है उसकी भी याद आती है ना, तो सोचो उस आदमी का कल्याण हो जाए। आपका भयंकर विरोधी है, आपकी हत्या करने भी सोच रहा है, उसकी भी याद आ जाए ना, तो सोचो वो आदमी सुख से जिए। हो सकता है वो सुख से जिए ना जिए, आपका सुख शुरू हो जाएगा।
ये सबसे बड़ा भजन। राम का नाम लेना, कृष्ण का नाम लेना, गायत्री का नाम लेना, ब्रह्मा का नाम लेना, गुरु का नाम लेना बहुत सरल है। ये तो मन बहलाने के साधन है। सबसे बड़ा भजन अच्छा सोचना। इसमें क्या लगेगा? नहा रहे हो, अच्छा सोचो। टॉयलेट में बैठे हो, अच्छा सोचो। यदि आप टॉयलेट में बैठ करके अच्छी बात सोच रहे हो, ज्ञान की, भक्ति की, दया की, क्षमा की, प्रेम की बात सोच रहे हो, तो टॉयलेट करना आपके लिए भजन बन जाएगा, पूजा बन जाएगा। इतनी क्या लगेगा? ये तो नहीं कर सकते साहब, ये तो टॉयलेट है, हम अच्छा कैसे सोचे? क्या अब टॉयलेट बैठकर अच्छा सोचोगे तो आपके विचार गंदा हो जाएगा क्या? शरीर गंदा हो सकता है, विचार गंदा नहीं होगा। तो टॉयलेट में बैठ करके भी आप अच्छा सोच रहे हो तो उस समय आपका भजन हो रहा है, पूजा हो रही है, आरती हो रही, सब कुछ हो रहा है। और ध्यान रखना, यदि मंदिर में गए हो आप, मंदिर में जाकर के हाथ जोड़े हो क्योंकि अभ्यास है, आरती भी गा रहे हो क्योंकि आदत है, याद आरती गा रहे हो, और मन में किसी की ईर्ष्या आ गई ना, तो मंदिर आपके लिए मंदिर नहीं, आपके लिए कचरा खाने बन गया वो मंदिर, क्योंकि आपने मन में बना लिया, कचरा बना लिया। किसको मंदिर बनाना है, किसको कचरा खाना बनाना है, ये हमारे मन पर निर्भर करता है। सब जगह गंदगी हो या हो तो हो, कोई बात नहीं, मन में गंदगी ना होने पाए, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ये आप नहीं कह सकते हमारे पास तो पैसा नहीं, हम अच्छा कैसे सोचें, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हम अच्छा कैसे सोचें। अच्छा सोचने के लिए अच्छी गाड़ी खरीदोगे पैसा लगेगा, कीमती गाड़ी खरीदो पैसा लगेगा, कीमती मकान खरीदो पैसा लगेगा, खाने की चीज खरीदोगे पैसा लगेगा, अच्छा सोचने में क्या लगेगा? छोटी छोटी नौकरी चाहिए, कुछ ना कुछ डिग्री चाहिए, आठवीं दसवीं बारहवीं जो भी हो, अच्छा सोचने के लिए कौन डिग्री चाहिए? स्कूल जाओ या मत जाओ, अंगूठा छाप हो आप पढ़ना नहीं जानते, अच्छा सोच सकते हो? अच्छा सोचो। जो आदमी अच्छा नहीं सोच सकता उससे बड़ा दरिद्र आदमी दुनिया में और कोई है नहीं, और महादरिद्र आदमी है वो, और उसे जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता, चाहे वो कितनी भक्ति कर ले, कितना गंगा नहा ले, क्या चाहे जो कर ले। सुख से जीने का पहला साधन अच्छा सोचना, और फिर उस सोच के अनुसार से अच्छा करना, जितना बन सके अच्छा करो। हम जितना चाहिए उतना पैसा हो सकता है ना कमा पाए, सब कहां का पैसा कमा पाते हैं, जैसी चाहिए वैसी नौकरी हो सकता है हमें ना मिल पाए, जैसा चाहिए वैसा पद हमें ना मिल पाए, जैसी चाहिए वैसी प्रतिष्ठा हमको भले मिल ना पाए, लेकिन जैसा चाहिए वैसा आचरण हम अपना बना सकते हैं, अपने कर्म को हम जैसा चाहे वैसा हम बना सकते हैं। और हर व्यक्ति को यह याद रखना लायक है, दुनिया में चित्र की पूजा नहीं होती है, चरित्र की पूजा होती है। दुनिया में कैरियर की पूजा नहीं होती है, कैरेक्टर की पूजा होती है। जैसा चाहे वैसा कैरियर बना पाए या ना बना पाए, कैरेक्टर तो बना सकते हो ना। हम हिंदू परंपरा में जितने भी भगवान माने गए हैं या देवता माने गए हैं, इतनी पूजा नहीं हम करते, लोग करते हैं, उनका कैरियर अच्छा था नहीं, कैरेक्टर अच्छा था। कैरियर तो रावण पर बहुत ज्यादा था, राम और रावण
दोनों सब अच्छी तरह से परिचित हैं। भारत में कौन ऐसा है जो राम रावण से परिचित ना हो? अब तुलना करोगे, हर बात में राम रावण से छोटे हैं। रावण ब्राह्मण है, राम क्षत्रिय है। जातिवाद मानते हैं ना, उसी हिसाब से देखोगे तो रावण ब्राह्मण है और राम क्षत्रिय। ब्रह्मा का बेटा पुलस्त, पुलस्त का बेटा विश्रवा और विश्रवा का बेटा रावण। ब्रह्मा से डायरेक्ट ताल्लुक आते हैं रावण का। रावण को राक्षस क्यों कहा जाता है? क्योंकि रावण की मां राक्षस जाति की लड़की थी, पिता ब्राह्मण और मां राक्षस। ब्राह्मण और राक्षस के अंतर जाति शादी हुई थी, वहां से रावण पैदा हुआ था। तो पिता की तरफ से रावण ब्राह्मण है और मां की तरफ से रावण राक्षस है। अब ये समझ लो, राक्षस मतलब कोई क्रूर व्यक्ति नहीं, खराब व्यक्ति नहीं, राक्षस उस समय की जाति है। देवता, दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, बानर, भालू, ये उस समय की जातियां हैं। हनुमान बानर नहीं थे, ये पूंछ वाला बानर। बानर कुल में पैदा हुए थे, बानर गोत्र था रावण का। लेकिन आज बानर गोत्र था हनुमान का, सुग्रीव का, बाली का। लेकिन आज हनुमान को बानर बनाकर पूंछ भी लगा दिए। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ साल पहले भारत में रामायण सीरियल चला था, वहां सुग्रीव, बाली, अंगद, हनुमान, नल, नील जितने बानर है सबके पूंछ बनाए हैं। जब बाली बानर है, उनकी पूंछ है, उनकी अपनी तारे भी पूंछ होना चाहिए था ना, उसी कहां गायब हो गई उसकी पूंछ। ये जाति है, वो बानर जंगल के बानर नहीं थे। प्रथम दूसरा, तो रावण और राम, रावण ब्राह्मण, राम क्षत्रिय, रावण राजा, राम राजकुमार। अभी गद्दी नहीं मिली है राम को। रावण अधिक उम्र का है, राम अभी युवक है। चारों राम, रावण चारों वेदों का प्रकांड पंडित है। राम उतना पढ़ा लिखा नहीं है। रावण और राम की तुलना करेंगे बल में, तो बल में राम रावण से हम टिकते नहीं है। आप कहीं तुलना कर लो, राम हर बात में रावण से छोटे हैं और रावण हर बात में रावण राम से बड़े हैं, फिर भी पूजा राम की होती है, रावण की नहीं होती। क्यों? चरित्र के कारण। हर बात में बड़ा है रावण, लेकिन चरित्र में जब बात आती है तब रावण छोटे पड़ जाते हैं। गुण में बात आती है तब रावण छोटे पड़ जाते हैं, राम बड़े हो जाते हैं। तो मैंने कहा पूजा कैरियर की नहीं होती है, कैरेक्टर की होती है। चित्र की नहीं होती है, चरित्र की होती है। और कैसे बनाना है अपना चरित्र को, ये हम पर निर्भर है। आप किसकी पूजा करते हो, किस देवी को मानते हो, किस देवता को मानते हो, किस भगवान को मानते हो, आपकी मर्जी। लेकिन मानने से आप सुखी नहीं होगे, चाहे जो मान लो। आप मानने से सुखी नहीं होगे, आप पूजा करने से सुखी नहीं होगे, आप आरती वंदना करने से सुखी नहीं होगे। सुखी तब होगे जब जीवन के कर्म उज्जवल होंगे, जीवन का आचरण उज्जवल होगा, चरित्र उज्जवल होगा और मन बढ़िया होगा। और कबीर साहब की दृष्टि में अपने मन वाणी कर्मों को पवित्र बनाना ही सबसे बड़ी पूजा है। वैसे कहा यह जाता है, वेदव्यास जी से पूछा गया कि मैं ईश्वर की पूजा करना चाहता हूं, कैसे करूं, ईश्वर की पूजा क्या है? यह प्रश्न सुनकर वेदव्यास जैसा विद्वान सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन सा उपाय बताऊं जो ईश्वर की सही पूजा हो और जिसे सब मान सके, जो सबके लिए लागू होता हो, सब समय के लिए लागू होता हो।
ये कहा जाए राम राम कहना ईश्वर की पूजा है, तो गैर हिंदू तो कभी राम राम कहेंगे नहीं, मुसलमान ईसाई सिख कहां राम राम कहेंगे। हिंदुओं में भी राम राम कहने वाले कुछ लोग हैं, बहुत कुछ लोग कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग ओम कहते हैं, आर्थनाजी कभी ओम आर्थनाजी कभी राम का नाम नहीं जपते। भारत में देकर जाकर देख लेना, मथुरा वृंदावन में राम का नाम नहीं चलता है, वहां तो राधा कृष्ण चलता है। अयोध्या में राधा कृष्ण चलेगा, राम राम चलेगा। दक्षिण भारत में जाओ तब न राम न कृष्ण, वहां तो शी और सिख के परिवार चलेगा। तो राम राम कहना ईश्वर भक्ति है, तो जो लोग राम राम नहीं कहते वो लोग कैसे फिर क्या करेंगे। यदि कहा जाए मंदिर जाना ईश्वर की पूजा है, तो सभी लोग मंदिर सभी लोग तो मंदिर जाते नहीं है, कुछ मस्जिद जाते हैं, कुछ गिरजा जाते हैं, कुछ गुरुद्वारा जाते हैं, कुछ और कहीं जाते हैं। अमुक नाम जपना, अमुक मंत्र का जप करना, अमुक पूजा करना, वेदांत हो चाहिए तो गड़बड़ मामला है, ये सब मानेंगे नहीं, बहुत सोचने पड़ गए। तब उन्होंने सोच विचार करके कहा रागात देतम हृदयम वाग दुष्टा नृता देवी हिंसादि रहता कायश एतद ईश्वर पूजनम। रागात देतम हृदयम, राग द्वेष ईर्षा आदि से मन रहित तो हो, वाग दुष्टा नृता देवी गाली निंदा झूठ से वाणी रहित तो हो, हिंसादि और चोरी हिंसा व्यविचार से काया शरीर रहित हो, अर्थात मन वाणी कर्मों की निर्मलता ही ईश्वर की पूजा है। ये सबसे बड़ी पूजा, और इस पूजा को कोई इंकार नहीं कर, कोई दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि आदमी का मन जितना गंदा होगा उतना सुखी होगा, कर्म जितना गंदा होगा आदमी सुखी होगा, ऐसा नहीं कह सकेगा कोई, कर पाए या ना कर पाए। लेकिन इस बात को हर आदमी स्वीकार करेगा कि मन वाणी कर्मों की निर्मलता ही सबसे बड़ी पूजा है, ये सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं है। और सुख का रास्ता, सुख का साधन यही है, अकेला कोई साधन नहीं है। हम बाहर बाहर दौड़ रहे हैं, बाहर बाहर पूरा बाहर बाहर दौड़ रहे हैं, जीवन तरफ हम झांकने का काम नहीं करते, थोड़ी पूजा कर लिए, थोड़ा पाठ कर लिए, थोड़ा नाम जप लिए, थोड़ा एक लोटा पानी चढ़ा दिए, सोचे भगवान पूजा होगी, धोखा दे रहे हैं अपने आप को। ठीक है ये करते हो करो, मैं इसलिए मना नहीं करता, लेकिन ये पूजा इसे जीवन मंत्र नहीं आएगा। गंगा नहाते नहाते, तुलसी में पानी देते देते, सूर्य पानी चढ़ाते चढ़ाते, उम्र बीत गई तंबाकू नहीं छूट पाया, कौन से मुक्ति हो जाएगी आपकी। पूजा करते करते उम्र बीत गई, अभी भी गाली देना बंद नहीं हुआ है, बाद बाद में गाली दे रहे हैं, कहां पूजा हो रही है, कौन सी पूजा हो रही है। वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही राग, वही द्वेष, वही निंदा, वही चुगली, ये ईश्वर की पूजा है या ईश्वर को धोखा देना है, कौन सी पूजा हो रही है, ये पूजा नहीं है। पूजा है अपने जीवन का सुधार। फिर आपकी मान्यता, आप क्या मानते हो वो तो जब जितनी जितनी बात समझ में आएगी, मान्यता भ्रम टूटते चले जाएंगे, लेकिन ये चीज देखना पड़ेगा। धर्म के क्षेत्र में ये भी कहा गया है, हिंदू प्राय हिंदू परंपरा जैसे यहां तो मुसलमान परंपरा, मुस्लिम परंपरा में, इस्लामी परंपरा में रमजान के महीने में पूरा महीने भर लोग रोजा रखते हैं, सूर्योदय से एक घंटा बाद पहले खा लेते हैं, सूर्यास्त से एक घंटा बाद तब खाते हैं, 12 14 18 घंटे तक नहीं खाते। लेकिन हिंदू परंपरा में ऐसा नहीं है, जन्माष्टमी को, नवमी को, एकादशी को, पूर्णिमा को, ये को लोग व्रत करते हैं, चलो अच्छा है। लेकिन व्रत का मतलब क्या है,
अभी अभी इस जगह में गया था, तो कहे महाराज ऐसी बात चली, तो कहे महाराज मैं आज व्रत हूं और दीक्षा लेने के लिए आया हूं, उससे मेरे आपसे दीक्षा लेना है। तो बातचीत कर रही थी कि महाराज आज मैं व्रत हूं, जब तक आप दीक्षा नहीं दोगे तब तक मैं भोजन जलपान कुछ नहीं करूंगा। मैं कहा बड़ी अच्छी बात, पूछे से बताओ समय काफी हो गया था, तुम भोजन तो नहीं करोगे, तम्बाकू कितनी बार खाए हो? महाराज तम्बाकू 4 बार खा चुका, ये कौन सा व्रत है भाई? भोजन करना बंद कर दिए, तम्बाकू 4 बार खा लिए, तम्बाकू ना खाते भोजन कर लिए थे ना, तो व्रत सही हो जाता। एकादशी को लोग उपवास रहते हैं, व्रत करते हैं, पूर्णिमा को व्रत करते हैं, अन्न नहीं खाएंगे लेकिन बीड़ी पीना नहीं छोड़ेंगे, गुटखा खाना तम्बाकू खाना नहीं छोड़ेंगे, ये कौन सा व्रत है? क्यों धोखा दे रहे हैं अपने आप को? इनका त्याग पहले करो। जो आदमी धर्म के क्षेत्र में है तो कहते हैं हम कोई देवी नहीं मानते, कोई देवता नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते, ब्रह्म नहीं मानते, परमात्मा नहीं मानते, आत्मा नहीं, हम कुछ नहीं मानते। चलो वो आदमी चाहे जैसा करता हो, बात सही है, लेकिन जो ईश्वर मान रहा है, देवी मान रहा है, देवता मान रहा है, गुरु मान रहा है, पीर मान रहा है, वो आदमी तम्बाकू खा रहा है, वो आदमी गुटखा खा रहा, वो आदमी बीड़ी पी रहा है, मतलब अपने ईश्वर को धोखा दे रहा है। जबान से ईश्वर के भगत और मन से शैतान के भगत, ये भक्ति काम ना आएगी। व्रत रहना है ना, सुखी रहना, जीवन को ऊपर उठाना है, सुधार करना है, तो ये क्या करना है आप? व्रत रहना है। जैसे मान लो कोई एकादशी को व्रत करता है, कोई पूर्णिमा को, कोई गुरुवार करते हैं, कोई सोमवार करते हैं, अच्छी बात, ऐसा करो। जैसे आपने निश्चय कर लिया कि आज मुझे व्रत करना है, सुबह उठे निश्चय आज मुझे व्रत करना है, तो सोच लो वो व्रत आप करते ही करते हो, उसी के साथ साथ और व्रत करो, सुबह उठो और व्रत कर लो, आज चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए, कोई मुझे गाली दे दे, भरी सभा में मेरा अपमान कर दे, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, एक दिन गुस्सा नहीं करने का व्रत कर लो, एक दिन गाली नहीं देने का व्रत करो, एक दिन झूठ नहीं बोलने का व्रत करो, जीवन कल्याण हो जाएगी इस व्रत से। खाली भूखे रहने से कल्याण नहीं होने वाला है, एक एक दिन के लिए, एक एक दिन के लिए, केवल केवल आज के लिए। कुछ आदमी कहते हैं महाराज हमारे हमें तो ये आदत है, हमें ये आदत, हमें ये आदत है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आप आगे बढ़ सकते हो, थोड़ा सा सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, किसी व्यक्ति के बहुत गाली देने की आदत है, किसी व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत है, किसी को झगड़ा करने की आदत है, किसी को लोभ करने की आदत है, छोड़ना है आपको, ऊपर उठना है जीवन में, करना क्या है? अब कह दें कि जिंदगी भर के लिए क्रोध मत करो, तो महाराज ये तो बड़ा मुश्किल है, जिंदगी भर झूठ ना बोलो महाराज ये तो बड़ा मुश्किल है। मैं कहता हूं आप जिंदगी भर के लिए क्रोध मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, जिंदगी भर गाली देना झूठ बोलना मत छोड़ना। आप एक काम करो, रोज जब सुबह उठो ना तो जिंदगी भर क्रोध करना छोड़, मैं केवल आज क्रोध नहीं करूंगा, रोज ये सोचो केवल आज 24 घंटा क्रोध नहीं करूंगा, एक दिन तो क्रोध बिना क्रोध करा सकते हो ना, रोज सोचो केवल आज के लिए क्रोध नहीं करना है। अब आज बीत जाए तो कल फिर सुबह नींद खोले, फिर सोचो आज के लिए क्रोध नहीं करना है, एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए, जिंदगी भर के नहीं कर रहा हूं, केवल एक दिन के लिए, एक दिन तो छोड़ सकते हो ना, कौन करना है? देखोगे पूरी जिंदगी बीत जाएगी, पूरी जिंदगी बीत जाएगी,
ये वास्तविक रास्ता है सुख पाने का, शांति पाने का, कल्याण करने का, ऊपर उठने का। जिन्होंने किया ऐसे ही किया है। बातें चली थी कि हर आदमी सुख चाहता है, शांति चाहता है और खोज रहा है बाहर। बाहर आपको धन मिलेगा, बाहर आपको नौकरी मिलेगी, बाहर आपको कपड़े मिलेंगे, गाड़ी मिलेंगे, घोड़े मिलेंगे, हीरे मिलेंगे, पन्ने मिलेंगे, पुखराज मिलेंगे, लेकिन सुख कहीं नहीं मिलेगा। सुख आपके भीतर, सुख का खजाना आपके भीतर। वो भीतर का जो खजाना है वो हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम बाहर भटक रहे हैं उस खजाने को पाने के लिए। अब बाहर नहीं मिलता तो पता नहीं क्या क्या उपाय, ये नाम जपो, वो नाम जपो, वो भी सब ठीक जब तक तो कुछ नहीं जानते हैं तब तक, लेकिन उतने से परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन जीवन में आना चाहिए, व्यवहार में आना चाहिए, और व्यवहार में जीवन में आना ही ये सबसे बड़ी भक्ति का फल होता है, सबसे बड़ा धर्म यही होता है। और धीरे धीरे ये सोचना पड़ेगा। हमारा अंतिम में एक दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे जो जीवन खड़ा है ना, दो तत्वों के मेल से खड़ा है। उन दोनों को हम कहते हैं जड़ और चेतन। उसे कह देते हैं दार्शनिक भाषा में प्रकृति और पुरुष, आज की भाषा में कह देते हैं तब मैटर और सोल। जड़ क्या है? शरीर तो दिखाई पड़ रहा है, ये जड़ है। मिट्टी पानी आग हवा आकाश पात्र तो कहा दिया जाता है, वैसे तो तत्व चार ही है, मिट्टी पानी आग हवा आकाश तो सुने लेकिन गिना जाता है। इसके भीतर में चेतना है, एक जीव है, आत्मा है, रूह है, सोल है। जड़ और चेतन में फर्क क्या है? जिनमें जानने का गुण ना हो, जो ना अपने को जानता हो ना दूसरे जानता हो, उसे कहा जाता है जड़। और जो अपने को भी जानता हो दूसरे को भी जानता हो उसे कहा जाता है चेतन। तो चेतन और जड़ दोनों के संयोग से हमारा जीवन खड़ा हुआ है, और दोनों संयोग से तीसरा तत्व तो बन जाता है मन, और मन ही सबको परेशान कर रहा है। तो हर आदमी के पास तन है और मन है। तन की भूख भोजन से दूर होती है, लेकिन कितना बढ़िया भोजन खा लो मन की भूख दूर नहीं होगी। मन की भूख दूर होगी भजन से। तन की भूख भोजन से दूर होती है और मन की भूख भजन से दूर होती है। लेकिन भजन क्या है? भजन गाना नहीं, भजन करना। भजन करना क्या है? निरंतर आत्मशोधन करना, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। जीवन का परिवर्तन, मन का परिवर्तन, मन का पवित्रीकरण। एक बस सीधी सी बात कहें, अब भजन को हम कह दें सरल शब्दों में, बहुत सरल ढंग से कहें भजन को, तो दो पंक्ति में इतनी बढ़िया बात कह दी गई है। ये दो पंक्ति याद रख लेना और शुरू कर दे जीवन में, बहुत बढ़िया हो जाएगा। भजन क्या है? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, बस यही भजन है। इसके अलावा भजन और कुछ नहीं है। अपने मन की तरंगों को मारना और गलत आदतों को सुधारना। जिन्होंने ऐसा कर लिया उसके जीवन से मन का दुख खत्म हो गया। फिर बाकी जीवन में जो काम करना है, खेती नौकरी व्यापार, वो तो जीवन निर्वाह के लिए मजबूरी है, ये करना पड़ेगा। लेकिन ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि जीना खाना पड़ेगा। आप कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, जीते क्यों हैं? लड़ाई झगड़ा मारपीट करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, तब जानवर से हमसे कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, और जिए भजन के लिए, आत्मकल्याण के लिए, तो जीवन सार्थकता होगी। और भजन मैंने कहा आत्मचिंतन, मैं कौन हूं इसको समझना, और समझ करके आत्मशोधन का काम करना, ये सच्चा भजन है।
और इसी भजन से ही आत्मकल्याण होगा, इसी भजन से मन की घुड़दौड़ समाप्त होगी और इसी भजन से ही हमें अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त होगा। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। इसको वहां रख दिया, उलट के उलट के।
मतलब आप खड़े जाओ, खड़े हो जाओ, सब लोगों के लिए प्रसाद लाए हैं साहेब जी भी ऐसे, और प्रसाद में कुछ पुस्तकें भी लाए हैं। पैकेट दे दें, सब लोग आए साहेब जी से प्रसाद ले लें और पुस्तकें भी। पुस्तकें तो पता नहीं लगेगा किसको क्या दी जाए, क्योंकि सब अलग अलग हैं, सब आपस में बदल बदल के पढ़ लें। जिसको एक एक तो दे दो तो दे दी जाती है सबको, फिर आपस में बदल लेंगे जिसको जैसी रुचि हो। जीवन के अनुभूति
Thank you.